गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कंसेप्ट है तो वो देखा था, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है वो सारे हमने प्रूव किए थे। यस, तो आज के लेक्चर के अंदर हमको उसका नेक्स्ट टॉपिक देखना है, क्योंकि जब हम मोशन ऑन प्लेन के बारे में सोचते हैं तो ऑल टाइप ऑफ ऑल द मोशंस और ऑल द कैटेगरीज ऑफ मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन। ठीक है, जो पार्टिकल एक ही प्लेन के साथ सारे जो पॉइंट्स है वो एक ही प्लेन के अंदर आ जाते हैं तो उसको हम मोशन इन प्लेन बोलते हैं। व्हेन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कन्फाइंड टू द प्लेन प्लेन ओनली देन और इट्स ट्रेजेक्टरी कंप्लीटली लाइज विद इन अ प्लेन, इट इज कॉल्ड एज द प्लेनर मोशन और मोशन इन प्लेन वी कैन से। तो अभी उसमें हमने उसका एक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है ना। मोशन इन प्लेन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब कोई भी पार्टिकल जब हम थ्रो करते हैं तो उसका जो पाथ है तो वो पाथ के अंदर के सारे पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उससे एक प्लेन ही बनता है। देखो ठीक से, अगर सपोज हमारे पास एक मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये इस तरह से पार्टिकल जा रहा है और यहाँ पे अगर गिर गया तो ये सारे जो पॉइंट्स है उन सबको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसा एक प्लेन हमको मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ प्लेनर मोशन, बिकॉज जो जो वर्टिकल प्लेन के अंदर उसका मोशन हो रहा है इसलिए उसको हम बोलेंगे प्लेनर मोशन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लेनर मोशन, नो डाउट। ऑन द अदर हैंड देर इज अनदर मोशन कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, विच इज वी हैव टू स्टडी एज अ नेक्स्ट इन दिस चैप्टर हियर। सो बेसिकली वेन एवर द पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, अभी देखो सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। इफ सपोज वी टेक अ स्ट्रिंग एंड टाई अ स्टोन विथ इट, एंड सपोज अनदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज इन आवर हैंड एंड सपोज वी गो ऑन रिवॉल्विंग इट लाइक दिस, सो द पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल लाइक दिस। तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर वो मूव करेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स है उन सबको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो फिर से हमको एक प्लेन मिलेगा, देखो, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। एंड सिंस दैट प्लेन इज हॉरिजॉन्टल वी कैन कॉल इट एज अ प्लेनर मोशन। इवन अगर सपोज कोई पार्टिकल को अगर हम स्ट्रिंग के साथ अगर बांध के अगर इस तरह से वर्टिकल सर्कल में भी अगर घुमाते हैं, ठीक है ना, गोल गोल इस तरह से अगर वर्टिकल सर्कल में भी घुमाते हैं तो भी उसका जो मोशन है वो प्लेनर मोशन हो जाएगा। सिर्फ ये फर्क ये है कि उस समय जो उसका प्लेन है वो प्लेन वर्टिकल रहेगा, बिल्कुल उतना ही फर्क है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्लेनर मोशन, एवरी सर्कुलर मोशन इज अ प्लेनर मोशन, रिमेम्बर। तो सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लेनर मोशन वी कैन से, एंड द डिटेल स्टडी ऑफ सर्कुलर मोशन इज टू बी डन इन दिस सेक्शन विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, ठीक है। तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं तो वो सर्कुलर मोशन के बारे में हमको डिटेल में स्टडी करना है। चलो फिर अभी, सो लेट अस गो टू द बोर्ड। Okay, so let us see what is circular motion and actually how what are the basic things we have to understand in case of this circular motion. Okay, so let us see uniform circular motion. Okay, first of all, let us define what is circular motion. See here, the circular motion is the motion of the particle along the circumference of the circle. Remember, I'll repeat again, the motion of a particle along the circumference of a circle is called as the circular motion. It's a very broad concept and simple to understand. तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कमफेरेंस के अलोंग जब मूव करता है तो उसको हम बोल सकते हैं इट्स मूविंग इन द सर्कुलर मोशन, नो डाउट। अभी सर्कुलर मोशन जो है उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, देखो ठीक से।
तो उसमें आ जाता है सपोज द मून इट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. सो वो भी एक तरह से सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है. सपोज दिस इज द अर्थ एंड सपोज दिस इज मून विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन दिस वे लाइक दिस. इवन न्यूक्लियस एटम के अंदर हम जानते हैं न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं. कोई फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई सेकंड ऑर्बिट में घूमता है, कोई थर्ड ऑर्बिट में, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो अकॉर्डिंगली वी कैन सी द डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस. दिस इज अगेन अ एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन वी विल सी. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. इवन फैन जो होता है फैन, ठीक है, सपोज फैन के जो ब्लेड्स होते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लेड के टिप वाला पॉइंट जो है तो उसके ऊपर अगर फोकस करते हैं तो हम देख सकते हैं आराम से. सपोज दिस इज द टिप पार्टिकल, ओके दिस इज द फैन एंड सपोज वेन इट रोटेट्स व्हाट हैपेंस इज ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द ब्लेड्स विल जस्ट ट्राई टू रिवॉल्व इन अ सर्कल्स. तो देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं, ए पॉइंट उसको नाम देते हैं सपोज. सो दिस ए पॉइंट विल मूव इन अ सर्कल सर्कुलर पाथ लाइक दिस. तो इस तरह से वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है. तो फैन का एवरी पार्टिकल ऑफ द ब्लेड ऑफ द फैन जस्ट रिवॉल्व इन अ सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियाई. तो अलग अलग रेडियस के सर्कल्स में वो घूमते हैं. जो पार्टिकल नजदीक होता है तो उसका रेडियस कम होता है और जो पार्टिकल दूर होता है तो उसका रेडियस ज्यादा होता है. तो हर एक पार्टिकल का रेडियस जो है वो अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है. इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर, नो डाउट. सो वी अंडरस्टूड दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द फैन मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, वी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ व्हेनेवर द फैन रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस. और स्पिनिंग टॉप के बारे में भी हम बोल सकते हैं आराम से, ठीक है. व्हेनेवर इट इज सेट इनटू रोटेशन, सपोज दिस इज स्पिनिंग टॉप, देखा होगा तुमने, तो दिस विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द इन अ सर्कुलर पाथ. तो व्हेन इट रिवॉल्व्स व्हाट हैपेंस इज एवरी पार्टिकल ऑफ दिस स्पिनिंग टॉप जस्ट रिवॉल्व्स इन अ सर्कल. तो ये हर एक पार्टिकल का जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. तो हम देख सकते हैं आराम से. आई विल रिपीट अगेन द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. द सिंपली द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन. ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन? सी हियर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन. वन इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इट इज डिनोटेड बाय UCM, ओके, UCM. U का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म. एंड CM का मतलब सर्कुलर मोशन, नो डाउट. चलो ठीक है. एंड ऑन अदर हैंड वी हैव दिस अनदर टाइप ऑफ मोशन विच इज कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, इट इज डिनोटेड बाय नॉन UCM. ओके, अभी देखो ठीक से, UCM और नॉन UCM, इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है समझो ठीक से. व्हेन वी कॉल UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, What happens in this case is, देखो ठीक से, अगर सपोज ये सर्कल है जिसके अलॉन्ग ये पार्टिकल ट्रेवल करने वाला है, यहां से वो पार्टिकल सपोज स्टार्ट करता है, ठीक है. तो होता ऐसा है ना कि फर्स्ट सेकेंड में, एक सेकेंड में अगर हम देखेंगे तो ये पार्टिकल अगर सपोज एक 45 डिग्री या 30 डिग्री एंगल कवर करता है, ठीक है, तो सेकेंड सेकेंड में उतना ही एंगल कवर करेगा, बिल्कुल. तीसरे सेकेंड में फिर से उतना ही एंगल कवर करेगा. देख रहे हो ठीक से, ये सभी एंगल्स जो है वो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है. ये इवन चौथे सेकेंड में फिर से उतना ही एंगल वो कवर करेगा, देख सकते हो ठीक से, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल. तो इन द सेम वे वी कैन सी क्लियरली दैट द पार्टिकल विल गो ऑन ट्रेसिंग द इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. And that's why it's called as a uniform circular motion. देखो ठीक से, तो uniform circular motion का खासियत क्या है? The particle covers same angle in same intervals of time. Equal angles are covered after equal intervals of time, and that's why it's called as a uniform circular motion. Remember. Okay. On the other hand,
we have this non-uniform circular motion. What is it? How it is different from this uniform one? So let me take say, suppose this is a center, and suppose the particle starts from this point A here. Okay, A point से वो start करता है. तो suppose एक second में, first second में, अगर ये particle जो है वो एक particular angle cover करता है, तो वो हम यहाँ पे theta से denote करेंगे उसको. चलो ठीक है. अभी second second में अगर देखेंगे, तो वो थोड़ा ज़्यादा angle cover करेगा. दिख रहा है ठीक से? देखो. तीसरे second में क्या हो रहा है? और ज़्यादा angle cover कर रहा है. चौथे सेकंड में और थोड़ा ज्यादा एंगल कवर कर लिया. पांचवे सेकंड में और ही ज्यादा एंगल कवर कर रहा है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये देखो, फर्स्ट सेकंड में इतना एंगल कवर कर लिया, सपोज 30 डिग्री एंगल कवर कर लिया. नेक्स्ट सेकंड में क्या हो रहा है? 40 डिग्री एंगल कवर कर रहा है. ओके, और आगे जाके 50 डिग्री एंगल कवर कर लिया. ओके, नेक्स्ट सेकंड में उसने 60 डिग्री इतना एंगल कवर कर लिया, और आगे जाते 70 डिग्री इतना एंगल कवर कर लिया. तो इस तरह से क्या हो रहा है कि देखो, यहाँ पे जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, तो वो उसका जो एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम है, एंगल कवर्ड इन सेकेंड, वन सेकेंड है, वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है, देखो पहले सेकेंड में ये एंगल कवर किया, ये दूसरे सेकेंड में इतना एंगल कवर किया, ये तीसरे सेकेंड में कवर किया, ये चौथे सेकेंड में कवर किया, ये पांचवें सेकेंड में. तो इस तरह से ये जो एंगल्स है ये एक दूसरे से ज्यादा है, राइट है? तो इसलिए हम देख सकते हैं आराम से कि जैसे जैसे एंगल, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे वो ज्यादा ज्यादा एंगल कवर करता जाता है. एंड दिस हैपेंस एंड इन केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. रिमेंबर, सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज वन इन विच द पार्टिकल कवर्स डिफरेंट एंगल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वेयर एज इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द पार्टिकल कवर्स सेम एंगल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सपोज फर्स्ट सेकेंड में इतना एंगल कवर किया, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, every second the angle covered in those that second is going to be the constant in all the intervals, correct hai? To kitna bhi time guzar jaye, ek second mein uske dwara cover kiya hua jo angle hai wo bilkul same rehne wala hai. Is tarah se to isko hum bolte hai uniform circular motion. Are you getting the concept? What is the uniform circular motion and how non uniform circular motion is different from this? So here in case of the uniform circular motion, we can see the particle moves with constant speed. बोल सकते हैं ऐसा? देखो, constant speed के साथ ये particle move करता है. Constant speed, remember. But here, in case of non-uniform circular motion, the particle moves with variable speed. Okay, variable speed. The particle का जो speed है, वो constant नहीं होता है. Vary करता है. कम ज़्यादा हुआ करता है. ठीक है? तो यहाँ पे उसका speed थोड़ा कम था. बाद में चलके बढ़ता जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. रिमेंबर. ओके, व्हाट आर द डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यस, जस्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्यू सेकंड्स बिफोर दैट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कौन से एग्जांपल्स आते हैं. व्हेन मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, दैट मोशन इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यस, जस्ट बिकॉज मून टेक्स द सेम टाइम टू कम्प्लीट वन सर्कल, राइट? ये ऐसा कभी होता है कि एक सर्कल तो कम्प्लीट हो गया, अभी अगला चक्कर काटने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा उसको या कम टाइम लगेगा? कभी नहीं होता है. यही वन अर्थ वेन रिवॉल्व अराउंड द सन, सपोज दिस इज द सन एंड सपोज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, वी कैन सी क्लियरली दैट द अर्थ रिक्वायर्स 365 डेज टू रिवॉल्व कम्प्लीटली वंस अराउंड द होल ऑर्बिट. तो पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 365 डेज लगते हैं. ठीक है, अब ये सोचो, क्या कभी ऐसा होता है कि एक चक्कर काटने के लिए उसको 365 डेज लगे, फिर दूसरा चक्कर काटने के लिए 366 डेज लगे, या तीसरा चक्कर काटने के लिए 367 डेज लगे? ऐसा तो कभी होता नहीं. तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, it's an example of uniform circular motion because the speed of the earth remains constant, it doesn't change. Okay, but on the other hand, what are the examples of non uniform circular motion then? Can you give any non uniform circular motion ka example kya hai? Dekho, suppose there is a fan. Okay, it has three blades like this, and suppose when it is switched on, okay, अभी वो पहले बंद था,
अभी जैसे ही उसको हमने स्विच ऑन किया, ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन किया तो उसके बाद क्या होगा, पहले उसका वेलोसिटी जीरो था, एंगुलर स्पीड या उसका स्पीड जीरो था, लेकिन जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, दिखते हो ठीक से। तो पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो जो एंगल्स है तो एक सेकेंड में सपोज 30-30 डिग्री कवर करता जाएगा, लेकिन और आगे जाने के बाद थोड़ा सा टाइम आगे जाने के बाद ऐसा होगा कि एक एक सेकेंड में वो 60-60 डिग्री एंगल कवर करने लगेगा, और थोड़ा आगे बढ़ो तो पता चलेगा कि एक एक सेकेंड में 90-90 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उस एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम विल गो ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर स्पीड। एक्चुअली ये हमको आगे चल के देखना ही है, तो एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड एट सम पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट हैपेंस इज इट्स एंगुलर स्पीड बिकम्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होता है कि वो फुल स्पीड से मैक्सिमम स्पीड से मूव करने लग जाता है, रोटेट होने लग जाता है, तो तभी उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म। व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स कांस्टेंट देन इट्स मोशन बिकम्स यूनिफॉर्म, बट सो फार एज इट्स स्पीड हैज नॉट बिकम कांस्टेंट द मोशन ऑफ द फैन विल बी कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म वन, बिकॉज इन दैट केस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू इंक्रीज टाइम बाय टाइम, इंस्टेंट बाय इंस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स अ एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन द फैन इज जस्ट स्विच्ड ऑन अंडर सन अंटिल इट एक्वायर्स इट्स मैक्सिमम स्पीड द मोशन ऑफ द फैन कैन बी सपोज टू बी नॉन यूनिफॉर्म। ओके, इवन ये देखो अगर फैन को स्विच ऑफ कर दिया, मान लो कि एक फैन जो है वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है और उसके बाद हमने तुरंत उसको स्विच ऑफ कर दिया, जैसे हमने स्विच ऑफ किया तो उसके बाद क्या होगा, उसका स्पीड जो है वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा, बहुत हाई स्पीड होगा, लेकिन धीरे 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 उसका स्पीड जो है वो कम 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 होता जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो इस तरह से उसका स्पीड कम कम हो रहा है तो उस केस में फिर से हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रिमेंबर। तो नॉन यूसीएम इसको कहा जाता है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूसीएम, रिमेंबर व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन और द फैन इज स्विच्ड ऑफ, बट ऑलरेडी फैन इज स्विच्ड ऑन एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड और स्पीड, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रिमेंबर। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, ये इवन और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। देखो ठीक से, सपोज एक व्हीकल है, देखो ठीक से, सपोज देयर इज अ व्हीकल एंड इट इज मूविंग अलोंग द कर्व्ड रोड लाइक दिस, ये कर्व्ड ट्रैक है इस तरह से, और दूसरा एक व्हीकल है हमारे पास वो भी उसी कर्व्ड ट्रैक के ऊपर जा रहा है, इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी, चलेगा। देखो इफ यू कंसिडर दिस व्हीकल ए हियर, देन द व्हीकल इज मूविंग अलोंग द कर्व्ड लाइन से या कर्व्ड रोड से वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी इस तरफ रहेगा, यहाँ पे उसका वेलोसिटी इस तरफ रहेगा, यहाँ पे इस तरफ रहेगा और यहाँ पे इस तरफ, तो वेलोसिटी तो चेंज होता जा रहा है, टर्न होता जा रहा है, लेकिन उसने अगर देखा तो यहाँ पे उसका जो स्पीड है, स्पीड जो स्पीडोमीटर में हमको दिखता है, वो स्पीड उसका यहाँ पे सपोज 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे अगर देखते हैं तो उसका स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी उसका स्पीड 50 है और यहाँ पे भी 50 है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाई? बिकॉज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू कॉन्स्टेंट, गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, नो डाउट। ओके, एट द ऑन द अदर हैंड, सपोज देर इज अनदर व्हीकल which is traveling on this curved road, but if we measure its speed at this point here, point B here, then it is suppose 40 kilometer per hour, okay? Suppose that it goes to the point here, is point pe jab wo jata hai, to uska jo speed hai, jo speedometer mein humko dikhta hai, wo suppose 50 kilometer per hour ban gaya. Aur thoda aage jane ke baad, jab wo yahan pe chala gaya, to us samay उसका जो स्पीड है वो मान लो कि 60 किलोमीटर पर आवर बन गया। तो मतलब ड्राइवर क्या कर रहा है, देखो ड्राइवर एक तरफ तो उसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो घुमा रहा है, जिसकी वजह से वो टर्न हो रहा है, टर्निंग तो उसको करना ही है, बट टर्न करने के साथ साथ वो एक्सेलरेटर भी दबाए हुए है,
एक्सेलरेटर भी दबा रहा है, तो एक्सेलरेटर दबाने के कारण क्या हो रहा है, उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं रहा, तो दिस टाइप ऑफ मोशन विल बी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. व्हाई? बिकॉज व्हाइल टर्निंग इट ऑल्सो प्रेस द एक्सेलरेशन एंड दैट्स व्हाई इट्स स्पीड इज गोइंग टू चेंज एट एवरी पॉइंट. तो उसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जबकि यहाँ पे अगर देखते हो तो स्पीड इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट. इफ यू मेजर द स्पीड एट एवरी पॉइंट इट इज कॉन्स्टेंट, इट इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट व्हेन द स्पीड इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट व्हेन द स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट देन इट इज कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. रिमेंबर, ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया ठीक से? Can you tell me any other example of uniform circular motion? Yes. Yeah, merry-go-round. Merry-go-round के अंदर जब हम बैठते हैं और जब वो घूमता है तो every chair will be revolving with the constant speed. Okay, so that will be called as a uniform circular motion. Anything else? Yes, washing machine के अंदर जब हम कपड़े डालते हैं तो उनका जो स्पीड है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि व्हेन जब वो फिर से घूमता है, फिर से स्टॉप होता है, फिर से घूमता है, फिर से स्टॉप होता है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं. बिल्कुल, क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है. हाँ, लेकिन जब हम स्पिनर के अंदर कपड़े डालते हैं तो एक बार स्पिनर चालू कर दिया उसके बाद वो हाई स्पीड में गोल 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 घूमता रहता है कई लंबे समय तक, दैट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वी कैन सी क्लियरली. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस between uniform and non-uniform circular motion. Okay, giant wheel also, very good. Giant wheel, even you must have been seen about the well of death in the circus. Circus mein tumne kabhi dekha hoga, maut ka kuwa bolte hai usko, maut ka kuwa. Ek aisa spear rehta hai, aur spear ke andar ek two-wheeler driver enter karta hai, aur pehle aise chote-chote circles leta hai, फिर धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में कवर करता है टू व्हीलर से, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वर्टिकल सर्कल्स भी कवर करता है. सो दिस इज एक्चुअली द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ओके, तो चलो ठीक है, एग्जांपल्स तो अभी बहुत हो गए, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, नो डाउट. अभी हम देखेंगे इसके अंदर का काइनेमेटिक्स. ओके, सो लेट अस सी द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. अब देखो, जहां पे काइनेमेटिक्स आ जाता है तो वहां पे तीन कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाते हैं. तो सबसे पहला कंसेप्ट है, जैसा हमने वन डायमेंशनल लिनियर मोशन या प्लेनर मोशन के अंदर जो भी हमने काइनेमेटिक्स देखा था, तो उसके अंदर भी हमने सबसे पहले तीन कंसेप्ट डिफाइन किए थे, याद होगा आपको. एक होता है डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट. दूसरा फिर हमने डिफाइन किया था वेलोसिटी, और तीसरा हमने बताया था एक्सेलरेशन, करेक्ट है, एक्सेलरेशन. और ये तीनों कंसेप्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, पोजीशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन, विच इज आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय द पोजीशन वेक्टर, रिमेम्बर. सो सी हियर, दीज थ्री आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मोशन, राइट. सो इन द सेम वे हियर इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑल्सो there are three important concepts called as angular displacement. Dekho dik se sabse pehle humko discuss karna hoga angular displacement. What is angular displacement, we have to understand. Then again we have to understand about what is angular velocity. See here, angular velocity, velocity kya hota hai wo to humne dekh liya, bilkul, but abhi yahan pe humko dekhna hai angular velocity kya hota hai. और तीसरा हमको समझना है व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन, यस. सो दीज आर द थ्री कंसेप्ट्स व्हिच आर टू बी स्टडीड इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड ऑल दीज थ्री कंसेप्ट्स डिपेंड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट कॉल्ड एज अ रेडियस वेक्टर, रिमेंबर.
Yes. Okay. So these are the three concepts we have to study in this circular motion. And these three concepts, angular displacement, angular velocity, and angular acceleration, depends on this basic concept called as the radius vector. Remember, radius vector. Okay. So let us understand what is radius vector. Okay, see here, suppose this is the circle and okay, this is the center of this circle, right? And suppose that the particle is the at the point A here. This is the position of the particle initially. So at that time, the radius वेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो रेडियस वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हमको ये जो है ये सेंटर और उस पार्टिकल का जो पोजिशन है, तो इन दोनों को ज्वाइन करना होगा, ये देखो इस तरह से. सो दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस वेक्टर. सो एक्चुअली वॉट इज रेडियस वेक्टर? द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज डिनोटेड बाय ओ हियर to the position of the particle. Okay, तो center से position of the particle की तरफ joint करने वाला जो vector है उसको हम बोलते हैं radius vector, और उसको हम denote करते हैं r bar से. ठीक है, r bar, r bar is called as a radius vector. Okay, but suppose the particle, when the particle turns or moves from this point A to the point B along this circle, then what will happen is the radius vector will also get turned. करेक्ट है, तो रेडियस वेक्टर जो है तो वो भी इस तरह से टर्न होगा. तो सब जो ये उसका रेडियस वेक्टर का फाइनल पोजीशन हो गया. दिस इज द अनदर रेडियस वेक्टर व्हिच इज एट पॉइंट बी, राइट? ओके, सो इन दिस केस दिस इज द अनदर रेडियस वेक्टर. नाउ वी विल सी दिस इज द रेडियस वेक्टर. तो रेडियस वेक्टर का कांसेप्ट समझा ठीक से. व्हाट इज रेडियस वेक्टर? It is simply the vector drawn from origin of the circle or center of the circle to the position of the particle. तो simply हमको क्या करना है, circle के center से particle के position की तरफ हमको vector draw करना है, and that will be called as a radius vector, no doubt. And whenever this particle will move from A to the point B here, what will happen is this radius vector will sweep out some angle of the circle. So this angle subtended by this radius vector will be called as angular displacement. Remember, what is angular displacement? It is the angle subtended or angle described by the radius vector in a given time. It's called as angular displacement. And this angular displacement is always measured in radian. As we know that angle in radian is defined as angle ko kaise define karte hain hum? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, बराबर है? सो दिस फॉर्मूला विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस एंगल. सो वी कैन से दैट दिस थीटा, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विल एक्चुअली बी इक्वल टू, इफ सपोज दिस आर्क इज डिनोटेड बाय एस, ओके, ये जो आर्क है वो अगर हमने एस से अगर डिनोट कर दिया उसको, तो उसमें हमको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू आर्क दैट इज एस अपॉन रेडियस दैट इज आर. So this is actually the formula for angular displacement, remember. And what is this angular velocity? To dekho angular velocity kaise hum dhoondh ke nikal sakte hain. Suppose this angular displacement takes place in a time t, okay, t itne time ke andar agar ye angular displacement ho jata hai, to how can we get that angular velocity? The angular velocity will be expressed as the angular displacement theta per unit time. Remember, so theta upon t is the definition of angular velocity. So we can say angular velocity, uska formula kya hua, so angular velocity will be defined as
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके अपॉन टाइम इन द सेम वे एज वी हैव इन द लिनियर मोशन दैट वेलोसिटी वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेक्ट है. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं. सेम वैसे ही यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं. समझा ठीक से. सो दिस इज द कंसेप्ट ओके. एंड इससे भी आगे जाके ओमेगा जो है ओमेगा से डिनोट किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी को ठीक है. और सपोज कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल जो है उसका एंगुलर वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ओमेगा वन है ए पॉइंट पे मान लो उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन है और मान लो कि बी पॉइंट पे जाने के बाद उसका एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा टू बनता है तो इन दैट केस एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक से एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी एक्चुअली डिफाइंड एज सिंपली द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी that is to be divided by time and this angular acceleration is actually expressed as alpha to alpha se usko denote kiya jata hai and alpha will be equal to what uska formula kya hoga fir dekho change in angular velocity how will you find out the change in angular velocity final angular velocity minus initial angular velocity and that is to be divided by the time so we can say this will be omega 2 minus omega 1 and that is upon time t. This is actually the formula for finding this alpha, which is nothing but the angular acceleration. Remember, in the same way as we have in the linear motion, that acceleration is equal to acceleration का formula क्या होता है? Change in velocity upon time होता है कि नहीं? So change in velocity upon time. So and we express it as a, and a is always equal to v minus u upon t. तो जैसे ये formula हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए है वैसे ही ये वाला फॉर्मूला हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए है ओके. सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन. नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंस इन सर्कुलर मोशन इज देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड एंड velocity. देखो ठीक से अभी. So suppose this is the circular motion of a particle, and suppose it starts from this point A here. इस A point से वो start करता है, ठीक है? तो अभी देखो ठीक से, इस particle को यहाँ से निकल के, just wait. Yes. Suppose the particle starts from this point A, then the time required for the particle to complete the whole circle here, तो पूरा चक्कर काटने के लिए जो भी time particle को लगता है उसको हम बोलते हैं period of evolution. Remember, it's denoted by capital T. Okay, capital T. What is this capital T is called? Period of revolution. Remember, it is the time taken by the particle to complete one full revolution. Remember, जैसे Earth का period of revolution कितना है about the sun? It is 365 days, or we can say 1 year. Okay, no doubt. Even in the same way, we can also find out the period of revolution of Earth about itself, which is going to be 24 hours. Or one day we can say, or even we can see the fan भी जब घूमता है तो एक चक्कर कितना time में वो cut करता है तो उसको हम बोलेंगे उसका period of revolution. It बिल्कुल simple concept है, बहुत simple. Okay, दूसरा concept आ जाता है उसको हम बोलते हैं f, और कभी कभी उसको n से भी denote किया जाता है n, which is nothing but the frequency of revolution. Remember, what do you mean by this frequency of revolution? Frequency, as its name suggests, is the number of revolutions completed per unit time
अगर मान लो एक फैन जो है, तो वो फैन अगर बहुत हाई स्पीड में घूम रहा है, तो मान लो कि 1 सेकेंड में वो 3 रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? हम कहेंगे 3 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिमेम्बर। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फैन विल बी सपोज टू बी 3 हर्ट्ज व्हेन द फैन रिवॉल्व्स 3 रोटेशंस पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रोटेशंस किए उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, याद रखिए से, ठीक है? सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, रिमेम्बर। ओके, अच्छा, अभी इसके ऊपर इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशनशिप भी देख लेंगे फटाफट। क्योंकि देखो, पीरियड इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि हमने लीनियर मोशन के अंदर देखा है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ करता है, बराबर है? या वी कैन से स्पीड बेटर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमको पता है ऑलरेडी। स्पीड इज एक्चुअली डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो इफ यू कंसीडर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल टू बी वी हियर, देन वी कैन से वी विल एक्चुअली बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस। हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन फुल रोटेशन? इट इज 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, करेक्ट है? सो दिस इज 2 पाई आर एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज कैपिटल टी, वी कैन से। क्योंकि पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए इस पार्टिकल को कितना टाइम लगता है उसको ही तो हम पीरियड बोलते हैं कि नहीं, तो उस पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं हमेशा। सो दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड, दैट इज कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पीरियड, रिमेंबर। ओके, एंड इन द सेम वे वी कैन हैव दैट एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है बताओ? एंगुलर स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एंगल डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम, बराबर है? जैसा कि अभी हमने देखा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन टी होता है, बराबर? ठीक है, तो एंगुलर स्पीड का ये फॉर्मूला है, तो उससे हम देख सकते हैं आराम से कि ओमेगा विल एक्चुअली बी इक्वल टू, अभी एंगल ऑफ फुल सर्कल हाउ मच इज इट? अगर ये पूरे सर्कल का जो एंगल है तो वो कितना होता है हमको पता है, अगर डिग्री में दिया जाए तो वो 360 डिग्री हुआ करता है, बट वी डोंट वांट इट इन डिग्रीज, वी वांट इट इन रेडियन। सो 360 डिग्री करेस्पॉन्ड्स टू हाउ मच? इट करेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियन, करेक्ट है? सो इफ यू रिप्लेस इट हियर देन वी कैन गेट दिस एज 2 पाई एज अ फुल एंगल ऑफ अ सर्कल एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय द फुल टाइम, दैट इज द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस सर्कल। तो ये जो कैपिटल टी है वो हमको यहाँ पे रखना है नीचे डिनोमिनेटर में, जिससे हमको मिलता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, वेर टी कैन बी ट्रांसपोर्ट दैट साइड, सो एज टू गेट दिस टी वंस अगेन बिकम्स इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पीरियड इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पीरियड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, रिमेंबर। एंड व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? सी हियर, what do you mean by frequency? The frequency is the number of revolutions per unit time and period is nothing but the time taken to complete one revolution. देखो, period के definition से ही हमको पता चलता है कि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, time taken to complete number of revolutions, मतलब time को हमको number of revolutions से divide करना पड़ेगा, correct है? तो इससे हमको period मिलेगा, no doubt. अगर for example अगर तुमको दिया है कि एक फैन 60 सेकेंड्स के अंदर अगर 20 रिवॉल्यूशंस करता है, देखो ठीक से, तो उसका पीरियड कैसे निकालेंगे? देखो 60 सेकेंड्स के अंदर 20 रिवॉल्यूशंस, मतलब एक रिवॉल्यूशन कितने सेकेंड में करेगा वो? 3 सेकेंड में करेगा। ये 3 सेकेंड क्या हो गया? उसका पीरियड हो गया, राइट? तो पीरियड निकालने के लिए हमने क्या किया, टाइम को, मतलब 60 सेकेंड्स को डिवाइड किया 20 रिवॉल्यूशन से, बराबर? तो इसलिए टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन गिव अस द पीरियड, बराबर? ठीक है, अभी ऑन द अदर हैंड यू कैन सी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, चेक करो ठीक से। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम करना होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन
मेड पर यूनिट टाइम इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, ये उसका डेफिनेशन ही है. तो देखो n, n का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम हो गया, और पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, टाइम अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया. तो कांट वी सी दैट दिस टू आर जस्ट रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. यहाँ पे देखो इसमें टाइम न्यूमरेटर में है जबकि इसमें टाइम डिनोमीटर में है, देखो ठीक से. और यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिनोमीटर में है और यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन न्यूमरेटर में है. तो फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर ऑलवेज ऑलवेज रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. So we can say that frequency n is always equal to 1 upon t and t is always equal to 1 upon n. This is the relationship between the frequency and period. They are always going to be reciprocals of each other. Remember. So once we get the formula for period, we can easily get the formula for frequency also. So what is the formula for frequency then? N is equal to just reciprocal of this period. जैसे उल्टा करो उसको, वी ऊपर लेके जाओ, टू पाई आर नीचे लेके जाओ, तो हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलेगा जो बनेगा वी अपॉन टू पाई आर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी. रिमेंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन. एंड हियर टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा भी तो होता है, तो इससे हमको फ्रीक्वेंसी का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा. इसको भी उल्टा करो तो वो बनेगा ओमेगा अपॉन टू पाई. दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस frequency. And using this formulae, both of these formulae, we can express omega in the two terms. तो omega को हम कैसे लिख सकते हैं इसमें से, देखो इसको थोड़ा rearrange करेंगे ना, तो omega का ये एक formula तो हमको already मिला हुआ है, no doubt. Omega is equal to 2 pi by t. But at the same time, using this formula, we can get another expression for omega, that is omega is equal to 2 pi n, where n is the frequency. So we can get the angular velocity of the body if its frequency is known. Remember. Chalo, theek hai? So these are some equations or some formulae in this chapter. Okay, see what we have done today. Once again, we have seen the circular motion, concept of circular motion. The motion of the particle along the circumference of a circle is called as circular motion, right? After that, we have seen the three concepts, angular displacement, angular velocity, and angular acceleration. First of all, we have seen the angular velocity, angular displacement. What is angular displacement? See here, angular displacement se bhi pehle humne kya kiya? Radius vector ke bare mein dekha, right? Radius vector. What is radius vector actually? Radius vector is nothing but the vector drawn from the center of the circle to the position of the particle is called as radius vector. Okay, and when the particle goes on moving from one point to other point, this radius vector go on changing its position and describes some angle as it moves further. So yahan pe usne itna angle cover kiya, ya usko hum is tarah se dikha sakte hain yahan pe. तो समझो फर्स्ट इसमें इसने इतना एंगल कवर किया, फिर यहाँ पे इतना एंगल कवर किया, फिर इतना एंगल कवर किया. तो एज द पार्टिकल गोज ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट, इट गोज ऑन कवरिंग द एंगल्स, मोर एंड मोर एंगल्स फ्रॉम द सेंटर. एंड दैट एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम इज एक्चुअली कॉल्ड एज, ठीक है, तो द एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is called as angular displacement, or sorry, angle covered by the radius vector in a given time. So is given time ke andar jitna bhi wo angle cover karta hai usko kya bolte hain hum, it's called as the angular displacement, but it should be measured in radian. So its formula is theta is equal to s upon r, that is arc upon radius, no doubt. And angular velocity, how this angular velocity is defined? The angle covered per unit time, angular displacement upon time is called as the angular velocity. And how this angular acceleration is defined? Angular acceleration is defined as the rate of change of angular velocity with respect to time. That is called as the angular acceleration, which is denoted by alpha, and it is found out as omega 2 minus omega 1 upon t. Okay, ye humne dekha. Aur uske baad ye bhi dekha, what is period
and what is frequency. So we have seen that period is nothing but the total time taken by the particle to complete one full revolution. It's called as the period of revolution. And the number of revolutions per unit time is called as the frequency of revolution. And using this formula, that speed is always equal to this distance upon time. तो v is equal to क्या हो गया 2 pi r upon t हो गया, जिससे हमको t is equal to v upon sorry 2 pi r upon v ये फॉर्मूला मिलता है. और एंगुलर स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, तो इसमें से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज द फुल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी. इससे हमको ये फॉर्मूला मिल गया. और यूजिंग दिस वी हैव फाउंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. Correct. This is the formula for period in terms of omega. And using this reciprocal of this period, it's the frequency. So frequency ka bhi formula humko mil gaya. Frequency n is equal to v upon 2 pi r, or n is expressed as omega by 2 pi. So these are the formulae for frequency we have found out. Yes. So this is all about the today's content you have to do. Yes. In the next lecture, we'll see the details of uniform circular motion, and also we have to see some numericals based on the same formulae. तो आज जो हमने formulae देखे हैं, तो उनके ऊपर based कुछ numericals भी हमको देखने हैं. तो उसके लिए आज के जो formulae हैं, वो ठीक से revise करके रखो और learn करके रखो, ताकि next time जब हम numerical करेंगे, तो उसमें आपको सब समझ में आए. Okay? चलो ठीक है. So let us stop here. Thank you all of you.